नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित राय और स्वागत है आप सभी का इन फोकस सिविल एकेडमी आईसीए में। दोस्तों, आज से हम लोग अपनी साइंस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और साइंस में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट की तो वो है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। और इसके साथ ही में इससे एलाइड एक सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि वो कम पोर्शन होते हुए भी उसके जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि बायोलॉजी के जो बेसिक्स हैं उनसे भी पर्याप्त प्रश्न आते हैं और बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग बायोलॉजी भी अच्छे तरीके से समझें। और ख़ास तौर पे अगर हम देखें कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हुए या फिर यूपी पीएससी और इसी तरीके से बिहार के, अगर हम लोग बिहार एसएससी या बिहार पीसीएस या बिहार एसआई की बात करें तो वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता है कहीं ना कहीं साइंस के जो प्रश्न हैं उनका वेटेज वहाँ पर ज़्यादा रहता है। और साइंस में भी स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो बायोलॉजी के सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज रहता है। तो बिना ज़्यादा अपनी बात को घुमाए फिराए, बिना लाग लपेट के हम लोग सीधा आज अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और वो है बायोलॉजी। इसमें अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। बायोलॉजी जो है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये ग्रीक वर्ड, एक ये है बायो और दूसरा है लॉजी। लॉजी बना है लोगस वर्ड से जिसका मतलब होता है स्टडी, आपको पता ही होगा। ये अगर किसी भी वर्ड के आगे लग जाए जहाँ पर भी लगा हो तो वो उसके अध्ययन से रिलेटेड इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से बायो जो है उसका मतलब होता है लाइफ, तो यानी लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन और स्टडी को अध्ययन। तो देखिए इसका मतलब हो गया कि बायोलॉजी कहीं ना कहीं स्टडी ऑफ लाइफ से संबंधित है, स्टडी ऑफ लाइफ से संबंधित है यानी जीवन के अध्ययन से संबंधित है। अब समझते हैं कि जीवन का मतलब क्या है। जीवन का अध्ययन यानी जीवन जो है किस में होता है, आपने पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग। तो यहाँ पे ये केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो हो गए आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये अगर हम कहें कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जीवधारियों या सजीवों के अध्ययन से संबंधित है तो ये इसकी एक हम लोग बेसिक डेफिनेशन समझ सकते हैं। बायोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये वर्ड जो है, ये बायोलॉजी वर्ड, इसको किसने सबसे पहले दिया, यानी ये जो बायोलॉजी टर्म है वो किसने सबसे पहले दिया, तो इस पे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये वर्ड जो है वो आज से लगभग 200 साल पहले एक ये लैमार्क हुए और दूसरे हुए ट्रेविरेनस। तो ये लैमार्क और ट्रेविरेनस ने इस शब्द को दिया, बायोलॉजी शब्द को। अब इसको अगर याद करने का हम लोग देख लें, अब बायोलॉजी जो है वो देखिए इसको कई नामों से पुकारा जाता है। हम लोग कई लोग बायोलॉजी बोलते हैं, कई लोग बायोलॉजी बोलते हैं, कई लोग बायोलॉजी बोलते हैं। तो उसमें अगर हम एक शब्द उठाएं बायोलॉजी, बायोलॉजी, और यहां से अगर हम लैमार्क से लें लैमार और यहां से ट्रेविरेनस से हमारा बन गया ट्रेवल। तो ये देखिए कि यहां से ये जो बैल है, बैल जब भी किसी को मारता है तो वो उसको पूरा हवा में ढंग से ट्रेवल करा देता है। इससे हम लोग कहीं ना कहीं याद कर सकते हैं कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है वो लैमार और ट्रेविरेनस ट्रेवल से कुछ मिलता जुलता, ट्रेविरेनस उनके द्वारा दिया गया है। मैं अपने एडिटिंग टीम वाले भैया से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पे ऐसी कोई शॉर्ट क्लिप या ऐसा कोई इमेज हो जिसमें बैल किसी को मार रहा हो तो ऐसा कोई इमेज डालने की कृपा करें ताकि थोड़ा सा एक इमेज बन जाए आप लोगों के दिमाग में। अगर मान लीजिए नहीं भी ऐसा पढ़ पाती है, कोई नहीं मिलती है कॉपीराइट फ्री इमेज, तो आप लोग ऐसी इमेज अपने दिमाग में बना लीजिएगा जिससे याद रहे।
समय समय पे हम लोग ऐसी कुछ चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे जिससे कि हम लोग के लिए चीज़ों को, उस तथ्यों को याद करना आसान हो जाए। तो चलिए, ये बायोलॉजी जो है वो आज से लगभग 200 साल पहले एग्जैक्टली अगर देखें तो 1801 के लगभग ये हम लोग को ये वर्ड जो है यूज में आया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जब ये वर्ड यूज में आया तभी से हम लोग ने सजीवों के बारे में अध्ययन शुरू किया, ऐसा नहीं है। ऐसा अध्ययन तो बहुत पहले से होता चला आ रहा था, इन्होंने बस एक उसको ये वाला टर्म दे दिया जो हिट हो गया, जो पॉपुलर हो गया, ठीक है। लेकिन ये इस पे अध्ययन बहुत पहले से चला आ रहा था, और वो अगर हम उसकी बात करें यानी इसके जो मतलब बहुत पहले से जो अध्ययन करते चले आ रहे हैं इनके जो बाप हो गए, तो बाप की अगर बात करें, जनक बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, इसकी अगर हम लोग बात करें तो एक नाम सामने आता है एरिस्टोटल या अरस्तु। तो एरिस्टोटल जो है वो इसके जनक कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम यानी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स पे इन्होंने काफी शोध किया, उस पर अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने उस पर जो बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। इसमें 500 प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, जिसकी वजह से एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कह दिया जाता है बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन अच्छा, एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा विषयांतर इससे इस विषय से हट के अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो अरस्तु जो है इनसे प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, एक तो अरस्तु का शिष्य कौन था, ठीक है, उसके बाद इनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे। तो इस पे अगर हम लोग थोड़ा सा समझें, ये जो अरस्तु थे, एरिस्टोटल ये थे, इनके गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस यानी सुकरात, या सोक्रेट्स भी बोलते हैं। तो ये सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, और इसके जो शिष्य थे अरस्तु के भी जो शिष्य था वो था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। अब देखिए, सोक्रेटिस जो है ये फिलोसफी के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ फिलोसफी, और ये अभी तक के सबसे बड़े फिलोसफर्स में से एक कहे जाते हैं, और ये बेसिकली जाने जाते हैं अपने लॉजिक्स के लिए यानी तर्क शक्ति के लिए। इनके तर्क बहुत गंभीर रहते थे, मजबूत रहते थे। इनके शिष्य हुए प्लेटो, जो अगेन एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। इनके भी शिष्य हुए अरस्तु, जो कि फिलोसफर होने के साथ में आपके जीव विज्ञानी भी थे, ठीक है। और उसके शिष्य हुआ अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग सिकंदर भी कहते हैं, जो कि आपको पता ही है सिकंदर महान कहा जाता है, यानी जिसने आधी दुनिया पर विजय पाई और भारत पर भी उसने आक्रमण किया पश्चिमोत्तर साइड पर। वो हम लोग अपनी हिस्ट्री क्लास में समझेंगे कि कब किया, कैसे किया, कहाँ पे वो मात खाया, क्या हुआ, सारी चीज़ें। तो वैसे अब देखते हैं इधर, अगर तो ये अरस्तु, अच्छा इसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोल दिया जाता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। और प्लेटो को हम लोग देखेंगे तो ये प्लेटो भी बोल दिया जाता है, प्लाटून भी बोल दिया जाता है कई बार, इसी प्रकार से अफलातून भी बोल दिया जाता है। तो ये हम लोग कुल मिला के नाम बिगाड़ने में माहिर थे, इनका नाम हम लोग ले नहीं पाते थे, इसलिए हम लोग ने, आप देखे होंगे कि जब पिछले साल ट्रंप साहब आए थे दो साल पहले, तो उन्होंने हमारे यहाँ के नाम खूब बिगाड़े थे, विवेकानंद या फिर सचिन तेंदुलकर, इन लोग का खूब नाम बिगाड़ा था। तो वो भी चूँकि हम लोग बिगाड़े हैं तो इसलिए वो भी बदला ले रहे हैं। तो वैसे ही कुछ, अब सोक्रेटिस को देखिए, सुकरात, एकदम जैसे लग रहा है कि गुजरात का भाई सुकरात, तो इस टाइप का नाम जो है वो रखा गया। खैर, ये सभी आपके जीव विज्ञान से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए हम इनको यहाँ से हटा देते हैं। वैसे एक इस पे प्रश्न आ जाता है इसलिए हमने डिस्कस कर दिया। तो चलिए, हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक जो लिखी वो लिखी एरिस्टोटल ने, इसलिए इनको कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। लेकिन अब ये चूंकि बुक लिखी इन्होंने एनिमल्स पे, और एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स पे बुक लिखी,
तो इसलिए एनिमल जो है हम लोग जाते हैं ना जूलॉजी, जू वगैरह में जाते हैं, तो वहीं से एक टर्म आता है जूलॉजी, तो इसलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, यानी जंतु विज्ञान, हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। हम लोग जैसे जू में जाते हैं तो वहां पे सब दिखाई पड़ते हैं ना पशु वगैरह, उनको देखने जाते हैं एनिमल्स को, तो वही जूलॉजी का सबसे पहली बार अध्ययन भी इन्होंने ही किया, क्योंकि इन्होंने ये बुक लिखी, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा जाता है। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम इन्होंने लिखी, एक बुक इसी से मिलती जुलती हिस्टोरिया प्लांटेरियम, ठीक है, तो यानी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, तो ये प्लांट्स की हिस्ट्री यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जिसने शोध की, जिसने अध्ययन किया, लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया और उस पर एक बाकायदा बुक लिखी, वो हम लोग वहां से शुरुआत हुई बॉटनी की, वहां से हमारे बॉटनी की शुरुआत हुई, जिसको कि इंग्लिश में कह दिया जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और ये जो ये बुक जिसने लिखी, वो बुक लिखी थी थियोफ्रेस्ट्स ने, थियोफ्रेस्ट्स या थियोफ्रेस्टस भी बोल देते हैं, थियोफ्रेस्ट। तो देखिए ये बॉटनी, ठीक है, बॉटनी बोलते हैं कि मतलब वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना, तो ये हिस्टोरिया प्लांटोरियम यानी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स बुक में इसको अध्ययन किया था, इसको लिखा था थियोफ्रेस्ट ने। अब इसको याद करने का हम लोग ये समझ सकते हैं कि फ्रेस्ट बनता है फ्रस्ट्रेशन से, फ्रेस्ट बनता है फ्रस्ट्रेशन से, तो यानी जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, यानी जब आदमी जो है निराश होता है, परेशान होता है, तो उसको बॉटल दिखती है। अब ये कौन सी बॉटल है वो आप लोग समझिए, मेरे लिए तो ये पानी की बॉटल है, बाकी जिसके लिए जो भी हो, तो हमारी फ्रस्ट्रेशन इसी से दूर होती है। थियोफ्रेस्ट जो है वो बॉटनी से, अगर ये आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, ये हमारी ट्रिक हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग इससे अच्छी भी बना सकते हैं, मुझे पक्का यकीन है, तो आप लोग वो भी बना सकते हैं, अगर बना वो आप लोग उसको यूज कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग ने एक जो बेसिक बातें थी, जो प्रश्न इस पे कई बार पूछ लिया जाता है, उसको हम लोग अध्ययन किए। उसके बाद देखते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात चल रही है, यानी जो सजीवों के बारे में बात चल रही है, वो क्या है, मतलब सजीव को अगर निर्जीव से अंतर करना हो, यानी सजीव को निर्जीव से, जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा वो तो उस पर प्रश्न बन जाता है, ये इस पर प्रश्न तो नहीं बनता है, निर्जीव ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पूरा ही लिख दें ऑर्गेनिजम्स, मतलब देखिए सजीव का मतलब जिसमें जान होती है वो हो गया, ये आपके इससे प्रश्न तो नहीं बनते हैं, लेकिन हमारी कॉन्सेप्चुअल समझ के लिए जरूरी है कि हम इसको समझें थोड़ा सा। तो देखिए सजीव में अगर हम लोग बात करें कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो निर्जीव से इसको अलग करती हैं, यानी लिविंग में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको नॉन लिविंग से अलग करती हैं, तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टीज हुई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोशिकीय संगठन। देखिए यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हमें इंग्लिश के भी टर्म्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उसका कारण ये है कि बायोलॉजी में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि बायोलॉजी या इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि वो हिंदी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार वो लोग हिंदी में भी इंग्लिश ही लिख देते हैं, जैसे जो देवनागरी लिपि है उसी में इंग्लिश को लिख देंगे, मान लीजिए जैसे सेलुलर है, अब जैसे टिश्यूज लिखना है, टिश्यूज का हिंदी में होता है उतक, लेकिन वो इंग्लिश में ही लिख दिया टिश्यूज, तो अब लीजिए अगर आपको टिश्यूज का मतलब नहीं पता है कि ये उतक ही होता है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप वो प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग की मजबूरी रहती है कि हम लोग बायोलॉजी और
इकोनॉमिक्स, ये दो सब्जेक्ट में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसको भी हम लोग इंग्लिश भी साथ में देखते हुए चलेंगे। आप लोग भी पूरी कोशिश कीजिए कि आप लोग केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी करें। अब वृक्क है, गुर्दा है या हृदय है, उससे ज़्यादा जो है ये सब पूछा जाता है कि हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब चीज़ें, तो उनमें आप लोग फैमिलियर होने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वो आपके जनरल यूज़ के लिए भी ज़्यादा बेहतर होता है वो समझना, ठीक है। तो देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, ठीक है। अब जैसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी अगर लिविंग बॉडी है उसका जो ढांचा बनता है वो टिश्यू सेल्स से बनता है, उसकी जो बेसिक एक जो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कही जाती है वो है सेल्स। यानी सेल्स जो हैं वो सेल्स यानी कोशिका जो है, कोशिका वो जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो वो बनाती हैं टिशू, टिशू यानी ऊतक, और जब कई सारे टिश्यूज मिलते हैं तो वो बनाते हैं आपका ऑर्गन यानी अंग, और जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो वो बनाते हैं अंग तंत्र, ठीक है, यानी ऑर्गन सिस्टम, और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं तब जाके आपकी बॉडी वो क्रिएट होती है। तो ये एक पूरा ढांचा है प्रॉपर, जो हम लोग अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या है ये सब। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये जो सेल्स, टिश्यूज और ये सब जितनी भी बातें हैं ये कहीं पे भी नॉन लिविंग में नहीं आती हैं। कि अब जैसे लकड़ी कोई मेज है तो आप उसके ढूंढिए कि आप उसमें सेल्स कहाँ हैं और क्या हैं, तो वो नहीं है। और आपका जैसे अगली अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये, इसके अलावा एक देखिए तो होता है कि इनमें गति होती है, ठीक है। गति का मतलब मूवमेंट, इंग्लिश में अगर बोले तो मूवमेंट मतलब कोई चीज़ अपने स्थान से इधर उधर मूव कर सकती है, ठीक है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, हालांकि अभी इसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि प्लांट और एनिमल्स में ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर हम लोग बात करें जैसे कैमरा है सामने, अब वो हमने उसको ट्राइपॉड पे फिक्स कर दिया है तो वो वहाँ पे फिक्स है, जब तक हम उसको इधर उधर हिलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि उसके तीन पैर लग गए हैं तो वो जो है आगे पीछे मूव हो सकेगा। दो पैर वाले को हम किसी को खड़ा करते हैं यहाँ पे तो वो पक्का इधर उधर ऐसे कुछ ना कुछ हिला देता, लेकिन इसीलिए हम लोग नॉन लिविंग थिंग को यहाँ पे खड़ा किए हैं जिससे कि बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो और कैमरा एकदम स्टिल बना रहे। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं तो पोषण होता है। अब चूंकि इससे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं इसलिए हम लोग बहुत जल्दी में इसको समझ रहे हैं। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, कि इन लोगों को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको अपनी वृद्धि के लिए, श्वसन के लिए, इन सब के लिए उनको ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन लेना। यानी वो अगर अपने शरीर की वृद्धि चाहते हैं तो न्यूट्रिशन लेने से ही ऐसा संभव है। इसी प्रकार से एक होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सक्रीशन। पोषण को न्यूट्रिशन, जो इंग्लिश वाले हैं वो अपना साथ में लिखते चलें। मूवमेंट, देखिए वैसे तो इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे, लेकिन मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग खुद से ही इसका नोट्स बनाने की कोशिश करें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो पोषण और उत्सर्जन मतलब कि वेस्ट मटेरियल को वो शरीर से बाहर निकाल देना, या हानिकारक मटेरियल जो है उनको बाहर निकाल देना, तो जिनका हमारे शरीर में काम नहीं है या फिर जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम लोग अगर अपने शरीर से बाहर कर दें उसको बोलते हैं उत्सर्जन। इसी प्रकार से देखिए तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन, ठीक है। प्रजनन का मतलब अपने समान दूसरा उत्पन्न करने की क्षमता, वो जो है प्रजनन कही जाती है। जैसे कि आप देखे होंगे फूल वगैरह हैं तो ये फूल जो है एक ही तरह कई सारे फूल हो जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे हम लोग हैं तो हम लोग भी मानव जो है वो अपने जनसंख्या को बढ़ा सकता है क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की क्षमता होती है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और लक्षण है मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का वैसे आजकल ये जिम वाली दुनिया में ये थोड़ा सा वर्ड ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, लेकिन इसका लोग जनरली बस यही मतलब समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म मतलब खाना पचाना,
लेकिन वो ही केवल इसका मतलब नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म, बेसिकली मेटाबॉलिज्म को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो उपापचय बोलते हैं, उपापचय। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड आपके लिए बहुत इनफेमिलियर टाइप का है, बहुत कठिन टाइप का है, यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड आपके लिए आसान है। तो हमें दोनों में सामंजस्य बैठा के चलना है, जिससे कि कहीं पे हम लोग हिंदी ज़्यादा सुलभ होगा, कहीं पे इंग्लिश ज़्यादा सुलभ होगा, जो आम जन की भी भाषा में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म बनता है बेसिकली दो चीज़ों से, एक तो होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। वैसे तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझ रहे होंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग बस इतना देख लेते हैं। ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, मतलब एनाबॉलिज्म मतलब जब दो चीज़ कोई मिलती है, यानी कि जब सरल अणु जो है वो मिलकर जटिल अणुओं में कन्वर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और इससे हमारा जो है ग्रोथ होती है शरीर की। इसी प्रकार से जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म होता है कि मतलब जब जटिल अणु टूटते हैं सरल अणुओं में, तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और इससे हमारा जो श्वसन की क्रिया है वो संभव हो पाती है। तो ये आपका हो गया, और इसको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तो ये हो गया उपचय, इसको हम लोग बोलते हैं उपचय, और इसको बोलते हैं अपचय। ठीक है, अब ये उपचयन अपचयन भी बोल देते हैं। तो ये अपचय और उपचय दोनों को मिला के देखिए, उप अप उपापचय। ठीक है, तो ये वर्ड बन गया। तो अब इसके बाद ये हम लोग का हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग समझा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग एक बार जल्दी से ये अध्ययन कर लेते हैं कि जो सजीव में ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, उन्हीं में आता है कि एक तो पौधे हो जाते हैं, पौधे यानी प्लांट्स, और एक हो जाते हैं जंतु यानी एनिमल्स। तो ये देखिए पौधे यानी प्लांट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा आज मार्कर का इंक हल्की हो गई है, बाद में मैं इसको रिफिल कर लूंगा। तो चलिए, पौधे जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स तो हैं, दोनों ही सजीव हैं, लेकिन अब हम इन लोग को समझेंगे कि इन लोग में क्या डिफरेंस, कुछ डिफरेंस इन लोग में भी है। इन लोग में कई स्तर पे डिफरेंस है, लेकिन अगर हम लोग बात करें जो सेलुलर डिफरेंस है, यानी जो सेल्स से रिलेटेड डिफरेंस है, वो हम लोग डिटेल में देख रहे होंगे अगले चैप्टर में। तो अभी हम लोग उस पर ना बात करके बाकी चीज़ों पर बात करते हैं, जैसे कि एक तो हो गया पोषण यानी न्यूट्रिशन। इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, लिख थोड़ा कम रहा हूँ लेकिन बोल दे रहा हूँ, जहाँ पे इंग्लिश का कोई टफ स्पेलिंग आएगी वहाँ पे मैं लिख भी दूंगा। वैसे पोषण जो है वो न्यूट्रिशन, तो ये होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो मतलब ये पौधे जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जंतु जो हैं वो होते हैं परपोषी। जंतु अपना भोजन खुद नहीं बना, जंतु एनिमल्स का मतलब आप ये मत समझिए केवल जो कुत्ता बिल्ली है वो सब, हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं, मतलब मानव भी वो एनिमल्स का ही पार्ट है। तो परपोषी जो है वो हो गया हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। तो देखिए ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। अब आपको ये तो नहीं लग रहा है कि आपकी मम्मी तो अपना भोजन खुद बनाती हैं, तो देखिए वो एक अलग चीज़ है। वो दरअसल भोजन बनाने का मतलब, अब जैसे वो सब्जी यूज करती हैं, जो भी कुछ यूज करती हैं बनाने के लिए, वो लेती तो पेड़ पौधे से ही हैं, तो वो भी परपोषी ही कही जाएंगी, वो डिपेंडेंट हैं किसी और पे। ठीक है, वो तो एक तरह से रॉ मटेरियल उनको मिल जाता है तो उसको वो तैयार कर देती हैं, वो अलग चीज़ है, ये परपोषी कहे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग गति की बात करें यानी मूवमेंट की, तो मूवमेंट देखिए पौधों में जो होता है वो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पौधे इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं स्थिर, तो वो मृदा में कहीं ना कहीं स्थिर होते हैं।
ठीक है। और मृदा में स्थिर होने का, तो इसको आप यहाँ पे देख लीजिए कि मृदा में स्थिर, ठीक है, लेकिन इसके क्या कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी कोई ऐसा एक प्लांट है जो मृदा में स्थिर ना हो करके वो चल फिर भी लेता हो, सोचिए आप लोग। फिलहाल ये जो एनिमल्स हैं वो उनमें जो है गति पाई जाती है, ठीक है। मृदा में स्थिर जो, मृदा में कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं, और उसमें आता है आपका एल्गी, एल्गी यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं शैवाल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें आप लोगों को दोनों ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों को शैवाल और एल्गी दोनों इंटरचेंजबली यूज होते रहते हैं, ठीक है। और तो ये हो गया, एक ऐसा शैवाल है जो अक्सर आपने देखा होगा पानी में, वो जो है तैरता हुआ रहता है, पूरा फैला रहता है ऐसे हरी हरी काई के रूप में, वो ही कहा जाता है आपका, वो एक प्लांट है, ठीक है, और वो मूव भी करता रहता है, ठीक। तो मैं एक आप लोग इमेज डाल दीजिएगा एडिटिंग टीम वाले शैवाल की यहाँ पे। और इसी प्रकार से अगर जंतु में हम लोग देखें तो जंतु जो है वो नॉर्मली तो गति उनमें रहती है, लेकिन कुछ एक अपवाद उसमें होते हैं जिनमें गति नहीं रहती है, तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा अपवाद, इंग्लिश वाले लिख लेंगे एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन है एल्गी जिसमें कि गति होती है। इसी प्रकार से नॉर्मली सभी एनिमल्स में गति होती है, यानी वो मूव कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन उसके भी कुछ एक अपवाद हैं। एक्सेप्शन को अगर हम लोग ई एक्स लिख दें, ई एक्स ना लिखें नहीं आप सोचेंगे एग्जाम्पल, तो ये अपवाद ही लिख देते हैं। अपवाद अगर देखें तो क्या कोई ऐसा एनिमल भी है जो कि गति नहीं कर पाता है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सोचने वाली बात है। तो है, ऐसा है एक, आपने देखा होगा कोरल, ठीक है। अब देखिए प्रश्न जो है वो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, ये भले ही वो लोग बेसिक नहीं पूछेंगे कि बताइए कि वो पेड़ पौधे चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं, ये वो लोग नहीं पूछेंगे, ये तो सभी को पता रहता है। वो पूछेंगे उसका एक्सेप्शन कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कि चल लेता है या जिसमें गति होती है, या ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें गति नहीं होती है। तो कोरल यानी प्रवाल, जो आपने सुना होगा प्रवाल भित्ति सुनी होगी, कोरल रीफ्स वगैरह, इस पूरे टॉपिक को हम लोग ज्योग्राफी के अपनी क्लास में बहुत डिटेल में समझेंगे, वहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कोरल के, और ज्योग्राफी के तो बहुत अच्छे से ही समझेंगे। तो कोरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। एक इमेज आपको अभी डाल दी जाएगी, कोरल समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि वो एक जगह पे स्थिर रहते हैं, उनमें कोई ऐसा मूवमेंट नहीं रहता है, ठीक है। और लेकिन वो होते जंतु हैं, वो आपको लगेंगे पेड़ पौधों की तरह, आपने बल्कि कोई इमेज देखी भी होगी जिसमें कि समुद्र के अंदर ऐसे लाल पीले हरे नीले सब तरह के पौधे वो जैसे रहते हैं, तो पौधे ना होके वो एक जंतु होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कोरल के अलावा एक होता है स्पंज, या हिंदी में स्पंज भी बोलते हैं, ये भी इसका अपवाद है। स्पंज की भी आपको एक इमेज डाल दी जाएगी, स्पंज जो है या स्पंज ये भी मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज आप यहाँ पे और देखिए कि ये जो परपोषी होते हैं जंतु, ये जो है सभी जंतु परपोषी होते हैं, लेकिन एक जंतु यहाँ पे एक्सेप्शन के रूप में ऐसा है जो कि परपोषी नहीं होता है, यानी वो अपना भोजन खुद तैयार करता है। ऐसा कौन सा जंतु है बताइए। तो इसका अगर हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे तो वो होता है युगलीना, युगलीना इंग्लिश में स्पेलिंग होती है EUGLENA, तो युगलीना आप लोगों को दिखाई तो पड़ रहा होगा ना सब, तो चलिए ये युगलीना हो गया, जो कि ऐसा जंतु है जो कि अपना भोजन, मतलब वो परपोषी नहीं है, यानी अपना भोजन वो स्वयं तैयार कर लेता है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रोथ के बारे में आते हैं, वृद्धि, यानी वृद्धि के बारे में देखते हैं कि ग्रोथ जो है वो किस में कैसी रहती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन काल तक होती है, मतलब वो पूरा जब तक उनका जीवन है तब तक वो उसमें वृद्धि होती रहती है, ठीक है। तो पौधों में वृद्धि जीवन काल तक होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि केवल एक निश्चित समय तक ही होती है,
निश्चित समय तक, मतलब आप देखेंगे कि अगर पौधे जो हैं वो तो अपने जीवन भर वो बड़े होते 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 जाते हैं, लेकिन जंतु जो है वो छोटे से बड़े होते हैं, 10 साल 20 साल में वो खूब बड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो उनकी जो वृद्धि है वो स्थिर हो जाती है, तब उनकी लंबाई बढ़ना वो बंद हो जाती है। अगर सोचिए कि बढ़ते ही जाएं तो वो कितना ऊपर चले जाएंगे, तो वो चीज़ फिर हम लोग को घर और बनवाने खर्चा ही बहुत ज़्यादा, उसमें तो फिर आपकी वो नोएडा वाली ट्विन टावर ही काम आएगी, और उसकी भी एक ही मंजिल, जो 40 मंजिल टूटा है उसकी एक ही मंजिल। खैर, तो वृद्धि जो है वो हम लोग ने देखा, ठीक है। और अगर इसमें हम लोग बात करें तो एक होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन अभी हम लोग ने देखा था, उसको हम लोग ने क्या बोला था, अभी हट गया है, लेकिन उसको हम लोग ने बोला था एक्सक्रिशन इंग्लिश में, वहां पे इंग्लिश लिख दी थी इसलिए यहां पे नहीं लिख रहे हैं। उत्सर्जन दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? चलिए, उत्सर्जन जो है वो एक्सक्रिशन मतलब कि अब जो बॉडी का वेस्ट या हानिकारक जो मटेरियल है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ है, उसको जो है शरीर से बाहर कर देना, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। लेकिन ये पेड़ पौधों में ये बहुत विकसित तंत्र नहीं होता है, मतलब बहुत जो है डेवलप्ड कोई सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है इसके लिए, तो ये अविकसित तंत्र होता है, अविकसित तंत्र होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि जब पेड़ पौधों का जो वेस्ट मटेरियल है वो कई बार उनके शरीर से ही चिपका रहता है, यानी जो पेड़ की छाल होती है उसमें आप देखेंगे कि पेड़ की छाल में वो गोंद या तेल के रूप में वो जो है चिपका रहता है, तो वो उसका वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, ये अविकसित तंत्र होता है। लेकिन मानव में ये जो है पूरा, मानव या जंतुओं में ये पूर्ण रूप से विकसित तंत्र होता है, जिसके द्वारा हम हानिकारक पदार्थ जैसे कि अमोनिया हो गया आपका, या फिर यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, इन सबको हम लोग मतलब शरीर के बाहर ये कर सकते हैं। ये जो है उत्सर्जन तंत्र यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। अब देखिए इन सभी, अभी आप लोगों को ये सब नाम थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन अभी हम लोग पूरा का पूरा इस पर एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो ये मतलब आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, तो ये आप लोगों के लिए अभी थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर आगे हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। तो एक इसमें हम लोग चीज और देख लेंगे, अब नीचे का हमें थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं आप लोगों को दिखे कि ना दिखे, इसलिए मैं ऊपर ही लिख देता हूं कि वो है कि अनुक्रिया या जो रिस्पॉन्स होता है, अनुक्रिया को रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, कि रिस्पॉन्स देने की क्षमता वो पेड़ पौधों में नहीं होती है, मतलब उनमें चूंकि कोई देखिए तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, यानी नर्वस सिस्टम जो है वो नहीं होता है, नर्व सेल्स जो हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से उनमें जो एक सेंसेस जो होते हैं हम लोग के पास, जैसे आँख नाक कान है ये सब है, तो वो उन लोग के पास नहीं होता है, तो इसलिए आप कहीं ना कहीं देखिए तंत्रिका तंत्र या फिर जो फाइव सेंसेस या सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उनके अभाव के कारण, उनकी कमी के कारण यहाँ पे इन लोग का रिस्पॉन्स जो है, प्रतिक्रिया है, वो बहुत धीमी रहती है। और अगर ये तेज रहती तो पर्यावरण की कई सारी समस्याओं का समाधान भी हो गया होता, जैसे जो लोग अंधाधुंध पेड़ पौधे काट रहे हैं ना, अगर ये लोग में होती है रिस्पॉन्स की क्षमता तो वो फिर ढंग से बताते, खैर नहीं है तो इसका लोग फायदा उड़ाते हैं, उठाते हैं, और इसको जो है एक भोग की वस्तु समझते हैं, उनको लगता है कि प्रकृति जो है वो हमारे लिए एक उपभोग की वस्तु है, ये मानव के लिए ही क्रिएट की गई है, जबकि वो ये समझना भूल जाते हैं कि प्रकृति कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व मानव के अस्तित्व के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी प्रकृति नहीं रहेगी तो मानव भी नहीं रहेगा, तो नेचर और ह्यूमन में एक बहुत ही अच्छा को एग्जिस्टेंस का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी दोनों का एग्जिस्टेंस संभव है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए अनुक्रिया जो है इसमें धीमी रहती है, और इसमें ये तीव्र अनुक्रिया रहती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विकसित नर्वस सिस्टम भी होता है, जिसपे हम लोग एक पूरा डिटेल में चैप्टर समझ रहे होंगे, और साथ ही साथ हम लोग के पास जो सेंसेस होती हैं, यानी कि जो इंद्रियां बोल देते हैं हिंदी में, इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां, वो सब भी होती हैं हम लोग के पास, तो इसलिए हम लोग पास अगर जैसे ही हम लोग को ठोकर लगी
तो हम लोग तुरंत अपने पैर, मतलब वो दर्द होता है या फिर जैसे कहीं पे अगर हम लोग को गर्म लग रहा है, हम लोग छू रहे हैं वहाँ पे गर्म लग रहा है, तो हम लोग तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम से ही वो पूरा डायरेक्ट होता है और तुरंत उसका रिस्पॉन्स होता है, जबकि पेड़ पौधों में ऐसा ताप दाब इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अनुक्रिया नहीं देखी जाती है। तो देखिए आज की हम लोग की क्लास में हम लोग ने ये पौधे और जंतुओं के बारे में भी डिस्कस किया, लेकिन इसमें एक अभी टॉपिक बहुत जो बचा हुआ है वो है कि इसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है उससे रिलेटेड भी कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड कुछ एक डिफरेंस होते हैं, जैसे कि उसकी देखिए सेल वॉल होता है कि इसमें जो है वो उपस्थित होता है उसमें नहीं होता है, और वैक्यूल्स जो हैं वो इसमें यानी रसधानी बोलते हैं हिंदी में, वो यहाँ पर बड़ी होती है वहाँ पर छोटी होती है। इसी प्रकार से इसमें जो है जो सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, तो ऐसे करके कई सारे जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग वैसे बताने को मैं यहाँ पर ही बता दूँ, लेकिन वहाँ पर अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग उन सब टर्म्स से थोड़ा बहुत परिचित होंगे। जैसे रसधानी है तो अब या वैक्यूल है तो वो हम लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम लोग उसको पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग को समझ में आएगा। तो इसलिए हम उसको जानबूझ के अभी यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ही ली और इसमें जो एक्सेप्शंस हैं उन पर भी आप लोगों ने गौर कर लिया होगा। तो चलिए आज की जो हमारी बायोलॉजी की क्लास है उसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे का पोर्शन, यानी हम लोग अब शुरू कर रहे होंगे सेल्स जो टॉपिक है उसको शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो ही हमारे जो बॉडी पार्ट है उसका सबसे बेसिक और फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो होती है, वहाँ से हम लोग अपने टॉपिक को शुरू कर रहे होंगे, फिर धीरे धीरे सेल्स पढ़ेंगे, सेल्स के टाइप्स और उसके जो क्या क्या प्रकार हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, प्रकार के साथ में उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं सेल्स के अंदर वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टिश्यूज़ पढ़ेंगे यानी ऊतक, फिर हम लोग ऑर्गन सिस्टम्स कई सारे देखेंगे, उसमें न्यूट्रिशन का देख लेंगे और जो एक्सक्रीशन देख लेंगे और बाकी जो हार्ट लंग्स ये सब चीज़ें होती हैं वो सब देखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे एक डेवलपमेंट अपना क्लास का करेंगे, और लास्ट में हम लोग फिर इसी में थोड़ा बहुत इसके फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें पढ़नी है, जहाँ से आजकल प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आज की बायोलॉजी क्लास, अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं किसी इसके अगले टॉपिक से रिलेटेड, और फिलहाल तो अभी आप अगली वीडियो देखेंगे किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने इतना समय दिया, और जल्द ही मिलते हैं, बहुत बहुत नमस्कार।